फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म थम ना सके। पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा में अपनी एक करारदाद पेश कर दी है जिसको ओआईसी मंदूबीन ने मंजूर कर लिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में ओआईसी के मंदूबीन ने पाकिस्तान की करारदाद अक्सरियत से मंजूर कर ली है जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीन में इंसानी जराइम पर इसराइल का एहतसाब किया जाए, जिसके बाद अब पाकिस्तान और तुर्की अक्वामे मुत्तहिदा का इजलास भी बुलाने जा रहे हैं जिसमें इसराइल से मुतलिक गुफ्तगू होगी और इसराइल को कैसे काबू किया जाए इस पर मुस्लिम ममालिक मगरिब और अक्वामे मुत्तहिदा पर दबाव डालेंगे। इस वक्त ओआईसी के मंदूबीन ने पाकिस्तान की करारदाद को मंजूर कर लिया है। इस पर पाकिस्तान का कहना था कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म नाकाबले कबूल हैं और इस पर इसराइल को जवाब देना होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा में इबादत के दौरान इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए अपनी हमायत जारी रखेगा, दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन के मसले को अक़वामे मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर उठाया जाएगा और इसराइल के जंगी जराइम को सबके सामने लाया जाएगा।